और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू उद्घाटन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने वाले हैं। एबीपी गंगा उद्घाटन से एक दिन पहले आपको दिखा रहा है उसी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की एक्सक्लूसिव तस्वीर। राजपथ हुआ इतिहास, कर्तव्य पथ पर होगी आने वाले कल की बात। दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है। नई संसद वाला सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार है। एबीपी गंगा पर उद्घाटन से पहले देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पहली झलक। आसमानी कैमरे से देखिए नई दिल्ली के इंडिया गेट पर बह रही नई बदलाव की बयार। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक वाले रास्ते के दोनों तरफ के हिस्से को सेंट्रल विस्टा कहते हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को करने वाले हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू विजय चौक से इंडिया गेट तक 3.2 किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रोजेक्ट को पूरा करने में 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। यहाँ रेड ग्रेनाइट से बने 15.5 किलोमीटर के वॉकवे से लेकर 16 पुल और फूड स्टॉल तक की व्यवस्था की गई है। यहाँ 1,125 कार और 40 बसों की पार्किंग का इंतजाम किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्लान की घोषणा सितंबर 2019 में की गई। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से मिले एक प्रस्ताव को पारित कर राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। इसी कर्तव्य पथ के साथ बने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर हर राज्य के फूड स्टॉल, रेड ग्रेनाइट से बना फुटपाथ और चारों ओर हरियाली होगी। साथ ही यहां वेंडिंग जोन, पार्किंग लॉट और 24 घंटे सुरक्षा होगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत विजय चौक से इंडिया गेट तक का रास्ता 20 महीने बाद आम लोगों के लिए खुलेगा। 8 सितंबर को उद्घाटन के बाद 9 सितंबर को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।